अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लेजर है इसका साइड इफेक्ट्स भी है? बिल्कुल साइड इफेक्ट्स वो हैं। क्या है? सबसे बड़ी बात है, मैं आज आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगा अपने सुनने वालों को कि खुदारा क्वैक से बचें। क्वैक कौन होता है? अताई डॉक्टर्स, जो डॉक्टर ही नहीं है, अताई डॉक्टर कह देना। अब जितनी ब्यूटी पार्लर्स हैं, जितनी ब्यूटिशियंस हैं जिनका डर्मेटोलॉजी से, स्किन से कोई तल्लक नहीं है, वो लेजर अगर करेंगी और वो स्किन को बर्न कर देंगी तो कॉम्प्लिकेशंस हुई कि ना हुई? उनको तो नहीं पता कि स्किन के लेयर कितने होते हैं, उनको तो नहीं ये पता कि स्किन जो है ऊपर से कैसी है, नीचे से कैसी है, किसी की डार्क स्किन है, किसी की फेयर स्किन है। तो मेरा मशवरा ये होगा, अगर आपने लेजर कराना है तो सिर्फ दो डिसिप्लिन या दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। कौन कौन से? एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन। क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं, इन्होंने स्किन में स्पेशलाइज किया होता है और इनको पता होता है कि कॉम्प्लिकेशन लेजर्स की क्या है। क्योंकि मैं अगर एक नॉन डॉक्टर हूं और मुझे आप लेजर पकड़ा दें, लेजर तो एक छोटी सी मशीन है, उसको यूज करना कि आप मुझे कहें डॉक्टर साहब ये लेजर लगा दो, तो मुझे तो ये पता नहीं होगा कि आपकी स्किन पे कितनी फ्लुएंस यूज करनी है, मेरी स्किन पे, जो बाकी लोग हैं उनकी स्किन पे। तो होगा क्या? होगा ये कि मैं ये जब लेजर के साथ काम करूंगा तो मुझे, बींग ए डॉक्टर, मुझे पता है कि मैंने कितनी आपकी ताकत रखनी है उसकी, ताकि आपकी स्किन पे बर्न ना हो। तो कॉम्प्लिकेशन लेजर्स की बिल्कुल हैं, सिर्फ उसको लेजर यूज करना चाहिए जिस जो जिसने स्पेशलाइज किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन के अलावा देखिए ना, आजकल आपको पता है कि आज फ्रूट्स हैं और बहुत सारे जूसेस हैं और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं। आजकल लोग जो हैं, बल्कि मैंने बहुत से डॉक्टर से सुनता हूँ कि जनाब ये उस तरफ चले जाएं, उससे भी स्किन ठीक हो जाती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल आप ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं तो अगर आप मेरे कभी कोई टीवी प्रोग्राम या इंटरव्यू या यूट्यूब पे मेरे देखें तो मैं तो एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रूट्स, जूस, मिल्क शेक, दूध, वेजिटेबल्स और सैलड्स, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हर पेशेंट को मैं ये कहता हूँ, बच्चियां मेरे पास आती हैं 18, 19, 20 साल का बच्चा बच्ची, कीली कील है मुंह पे, जिसको हम पिंपल्स कहते हैं, तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ तुम बर्गर भी खाती हो, तुम पिज्जे भी खाते हो बेटा, तुम शवारमे भी खाते हो, तुम ये फास्ट फूड और ये बाकी चीज़ें भी जो मार्केट में मिलती हैं खाते हो जी, और सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हो, पानी कम पीते हो, जूस जी जी, तो ये सारा मैंने कहा उस वजह से चेहरा ख़राब हो रहा है। सो हमें ये चाहिए कि हमने जो खाना खाना है, अब आपका घर में जो खाना बने, ठीक है, गोश्त गोश्त भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोटीन बंद कर दें, फिश खाएँ, चिकन खाएँ, मटन खाएँ, लेकिन सब बड़ी बात क्या है, वेजिटेबल का इनटेक और फ्रूट्स और जूसेस का, इसको मैक्सिमाइज करें। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, अगर आप गए होंगे माशाल्लाह जरूर, तो वहाँ सुबह का उनकी जो बाहर के यूरोपियन लोगों में, अमेरिका में सुबह नाश्ते में क्या होता है, फ्रूट और जूसेस। सबसे पहले उनका नाश्ता ही फ्रूट से शुरू होता है, वो इतने बड़े बड़े बाउल जो होते हैं फ्रूट्स के भर लेते हैं और जूस भर लेते हैं। हम लोग निहारी, हरीसा, सिरी पाए, हलवा पूरी, नान छोले, हम लोग तो शुरू ही उससे करते हैं सुबह की। तो वो तो देखे ना, अंदर हमारे फैट जमा हो रही है, इसी वजह से हमारे जो लोग हैं आजकल 20, 25, 30 साल पे, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है यंग बच्चों को। उन बच्चों में ज़्यादातर जो होती है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। क्यों ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं? ये बीमारियाँ होनी चाहिए 60+ पे, ये बीमारियाँ आ रही हैं 25-25 साल के बच्चों में, 30 साल के बच्चे में। अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम, वो अगर आप चले जाएं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो वो कहेंगे जी 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जा रही है, उनके डायटरी हैबिट्स ऐसी हैं कि उनको शुगर हो गई हुई है, उनको ब्लड प्रेशर हो गया हुआ है। यंग बच्चों से पूछो, वो कहते हैं जी मुझे तो ब्लड प्रेशर है, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, जिम नहीं जाते, और डायटरी हैबिट सबसे ज्यादा पुअर है उनकी, ना उन्होंने फ्रूट लेने ना जूसेस, ये बाहर का जंक फूड खाना है और ये हरीसे ना हरिए हर वक्त खाते रहना, तो इसके साथ फिर यही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं कहूँ स्किन का कलर, तो आपके ख्याल में बेहतरीन इंसान के स्किन का कलर वाइट है, ब्लैक है, या जैसे गंदमी हमारे ब्राउन है, या ब्राउन? हम लोग ब्राउन कम्प्लेक्शन की। अच्छा, हम ब्राउन कम्प्लेक्शन, इसको ब्राउन कम्प्लेक्शन कहा जाता है। और गंदमी कौन सा होगा? गंदमी जो होता है वो ब्राउन की एक स्टेज नीचे है,
उससे नीचे, वो उससे नीचे। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान और इंडिया में, तो जो आपको गंदमी कलर उधर नजर आता है कि इधर नजर, उधर इंडिया में, इंडिया में वो उससे, इंडिया में जेनेटिक्स गंदमी की ज्यादा है। उनके जो टैमिल्स हैं वो तो बिल्कुल डार्क हैं, वो तो जिस तरह ये नीग्रोज होते हैं उस तरह के हैं, जो काले अफ्रीकन होते हैं, लेकिन उनकी जो जेनेटिक्स है उनमें, आपको इंडिया में, मैं इंडिया बहुत गया हूँ, मैं इंडिया बहुत जाता हूँ, ये मीटिंग अब तो नहीं, मीटिंग के लिए जाते थे, इंडिया में कभी आपको खिलते चेहरे नजर नहीं आएंगे जो आपको पाकिस्तान में। और इंडियन औरतें जो लेडी डॉक्टर्स थी हमें वहाँ कहा करती थी कि हमारा दिल करता है कि हम पाकिस्तानी औरतों को की तरह की हो जाए, जिस तरह आपकी केपीके की औरतें हैं, जिस तरह आपकी कश्मीर की औरतें हैं, वो हम लोगों को एनवी करती हैं उनकी खवातीन। अब ये जो हम लोग टीवी में और वो जो देखते हैं मूवीज में इंडियन औरतों को, और हम बड़े इंप्रेस होते हैं उनकी शक्ल सूरत से, वो आधा तो उन्होंने पूरा मेकअप शेकअप किया, मफलाज किया होता है, जब वो उनका मेकअप उतर जाए तो बंदा कहेगा कि जी ये तो शक्ल ही कुछ नहीं ऑर्डिनरी, इसको तो पाकिस्तान में एंटरटेन ही कोई नहीं करेगा फिल्म इंडस्ट्री में। तो हमारी जो शक्लें हैं, हमारा जो रंग है माशाल्लाह वो ब्राउन है। हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो स्किन दी है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या, ब्राउन स्किन का, वो क्या, स्किन कैंसर नहीं होता। अच्छा, मिनिमम स्किन कैंसर रीजन क्या है, गोरे में स्किन कैंसर क्यों है ज्यादा। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएं, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर कौन से मुल्क में है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन अच्छा। स्किन में अगर आप जाएं, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, तो उनके छोटे छोटे काले काले तिल और वो फिर बड़े हो जाते हैं स्किन पे, क्योंकि वो गोरी स्किन है। तो वो जब उनके तिल बन जाते हैं, हो जाते हैं, तो रीजन उसकी क्या होती है, उसकी रीजन होती है कि उनको स्किन से प्रोटेक्ट, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, धूप से, उनके मेलानोसाइट्स नहीं है जो हमें अल्लाह ने दिए हुए हैं। मेलानोसाइट्स वो सेल होते हैं जो स्किन को ब्राउन या डार्क रखते हैं। अच्छा, हमारी स्किन में मेलानोसाइट सेल ज्यादा होते हैं, गोरों की स्किन में होते ही नहीं है। सो गोरों की स्किन में जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, जो सूरज की लाइट है, वो जब पेनिट्रेट करती है स्किन में, तो वो स्किन कैंसर ज्यादा, वो जो सन बाथ लेते हैं तो उनके लिए तो फिर खतरनाक हो ना? वो सन बाथ क्यों लेते हैं, वो सन बेथिंग क्यों करते हैं, वो अपने आप को टैन करते हैं। वो टैन, वो सन बाथ जो लेते हैं वो उस वक्त लेते हैं जब अल्ट्रावायलेट रेज मिनिमम हो और स्किन टैन हो जाए। टैन का मतलब है कि जब डार्क हो जाएगी तो स्किन कैंसर होने के चांसेस कम होंगे। अच्छा, ये उसलिए ये उसके लिए लेते हैं, कॉन्सेप्ट जी हाँ, कॉन्सेप्ट ये। अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया में कहाँ कहाँ गए? कोई मुल्क नहीं छोड़ा कोई, बस एक शौक है मुझे। क्या? और वो शौक है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग मुझे शुरू से, और मेरा ख्याल है, मेरी नहीं कोई जहन में आता कि मैंने कोई दुनिया का मुल्क छोड़ा होगा। यानी जो बड़े मुल्क हैं, मैं जो यानी मुल्क गिने जाते हैं, छोटे मोटे तो दुनिया में बहुत होंगे ऐसे, एक जजीरा वो तो नहीं, लेकिन एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड आई हैव बीन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके घर में आया हूँ, बड़ा खूबसूरत सा आपका घर है, सिंथेटिक सेंस जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। थैंक यू। तो ये आपने खुद किया सारा घर? मैंने बनाया, बाकी बेगम का कमाल है। मेरा काम था सिर्फ, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बना होता था, बेगम ने मेरे कहना भी इतने का चेक काट दो, ये है वो है। अब 15 साल हो गए बने हुए घर को, तो उसको, मेरी बेगम को बहुत शौक था, ये सारा एस्थेटिक सेंस उसका। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, सुबह मैं जाता रहा दफ्तर, शाम को आता था। लाहौर जिम खाना क्लब का भी मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मेंबर हूँ, जीता हूँ, हारा हूँ, फिर मैं शाम को क्लिनिक करता था, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं। एस्थेटिक सेंस में किसी और का कोई जो है रोल नहीं है? नहीं, मेरी बेगम का, मेरी ये जितना आपने घर देखा, बाहर लॉन अगर भी हम जाएंगे वो भी देख लेंगे, कमरों में सारी इंटीरियर डेकोरेशन, और ये घर का जो प्लान था, हमने कोई आर्किटेक्ट नहीं लिया था। आप हैरान होंगे, ये माशाल्लाह 3 कनाल की जगह है, और जब मैंने घर बनाया तो इसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं था, मेरी बीवी आर्किटेक्ट थी। तो मैंने, हमने मिलके बैठ के वो जो हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ था उसके साथ डिस्कस करते थे। तो ये जगह की चॉइस, किस एरिया में रहना है? ये मेरी वाइफ, उसने मुझे कहा था, मेरे वालिद जो थे अल्लाह बख्शे फिरोजपुर रोड पे मजंग चुंगी पे 40 साल उन्होंने क्लिनिक किया, और फिर उनकी वहाँ डेथ हुई। तो जब डेथ से पहले मेरे वालिद मॉडल टाउन शिफ्ट हो गए, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा, पैसे तो मेरे वालिद की थे, हमारे पास पैसे पूछे कहा, नए नए डॉक्टर बनते थे, तनख्वाही तब होती थी मेरा ख्याल 3,000 रुपया जब मैं डॉक्टर बनाया। वो जब मेरी शादी हुई तो हनीमून के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने वालिद साहब को कहा हार जोड़ के, मैंने कहा जी सलामियाँ खर्च हो गई हैं, अब हनीमून करना है, कुछ पैसे आप दे दें। तो वालिद साहब से पैसे लेके हनीमून किया था, आगे मुझे याद है। तो वालिद साहब ने फिर मुझे जो पैसे दिए, मैंने कहा डैडी अब जमीन लेनी है, तो वाइफ ने मेरी ने कहा कि आतिफ मुझे ये गार्डन टाउन का इलाका है और साथ कैनाल है, आपने देखी होगी बाहर हमारे, तो वाइफ मेरी चाहती थी कि कैनाल के पास हमारा घर होना चाहिए जहाँ ग्रीनरी बड़ी हो। मेरी वाइफ को ग्रीनरी का मुझे भी शौक था। तो ये तब जगह हमें अच्छी लगी, ये गार्डन टाउन अहमद ब्लॉक, और ये खुली जगह थी, 3 कनाल के, 3-3 कनाल के प्लॉट थे सारे, तो तब हमने ये खरीद ली।
और अल्लाह का शुक्र है ये भी मेरी वाइफ की पसंद थी। मेरे वाले चाहते थे कि मॉडल टाउन हम आ जाएं, हम तीन भाई हैं तो वाले चाहते तीनों भाई इकट्ठे वहाँ कर लें, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आतिफ मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने वाले को कहा, मैंने कहा डैडी जो मेरा हिस्सा देना है वो आप अगर माइंड ना करें तो हम वहाँ, उन्होंने कहा बेटा तुम वहाँ कर लो, मर्जी है तुम्हारी। तो इस तरह फिर हम यहाँ आए। तो ये जो आप यहाँ पर आ गए तो इसके बाद ये जो बच्चे हैं, अब सिर्फ आपने ही हनीमून के लिए पैसे अपने फादर से लिए कि बच्चों को भी कभी जरूरत पड़ी तो आपने दिए? वो तो अब भी मांगते हैं बच्चे, अब भी नहीं छोड़ते बच्चे, सारे अपने सेटल्ड हैं। हाँ। बच्चे माशाल्लाह, जो इंग्लैंड में बेटा है बहुत कमा रहा है, डॉक्टर है, जो कनाडा में है वो बहुत कमाता है, जो यहाँ डॉक्टर है वो कमाता है, लेकिन अभी भी वो नहीं बख्शते, अभी भी नहीं बख्शते। वो जो इंग्लैंड वाला है अबू इतने चाहिए, कनाडा वाला अबू इतना, जो यहाँ होता है वो भी कहता है अबू साथ। सो द पॉइंट, और मैं ये समझता हूँ यार एक और बात है, ये जो पैसा है ये किसके लिए है? मैंने तो कल को चले जाना है, मेरी बीवी ने कल को चले जाना है, हमने साथ तो नहीं लेके जाना, ये ही नहीं कही है। अब जो मैंने प्रॉपर्टी है मेरी, कुछ मेरे प्लॉट्स हैं या कुछ जो भी है, जो घर बार है, ये मेरे बच्चों के लिए है ना। मैंने तो नहीं, तो मैं उनको फिर जो वो मांगते हैं मैं उनको खुल के, अब वो करते क्या हैं, वो खुद नहीं मांगते, वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को कहते हैं, वो जो मेरे माशाल्लाह मेरे जो पोते पोती हैं उन्हें कहते हैं कि जाओ भाई दादा को कहो कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें फलाना चीज़ चाहिए। तो वो फिर दादा और दादा दादी जो होते हैं वो फिर अब बेटे बेटी को ना कर सकते हैं, पोते पोतियों को दादा दादी कभी ना नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाए। अच्छा ये बताएं, जिंदगी में जो आपकी कामयाबी है उसमें किसका हाथ सबसे ज्यादा आपको लगता है? मेरे माँ बाप एंड देन माई वाइफ, वट एवर आई एम, बाकी मेरी मेहनत, मेहनत के बगैर तो मैं कुछ नहीं ना। ये तो नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, इस तरह तो नहीं होता। मैंने बड़ी मेहनत की, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना सबसे बड़ी बात है, यही बड़ा एक ऑनर होता था कि जी बंदा किंग एडवर्ड्स का ग्रेजुएट है और जो पहला प्राइम मेडिकल इंस्टीट्यूशन अब तक भी, उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन। लेकिन मेरे माँ बाप की दुआएँ और मेरे बाप की, जो मेरे वाले जो थे ना वो मेरे, मैं क्योंकि सबसे बड़ा था तो वो हर वक्त मेरे मेरे करियर पे उनकी छाप बहुत है। वो हर वक्त उनके जहन में मैं ही होता था कि आतिफ जो है ना, आतिफ को मैंने इस्टेब्लिश करना है, आतिफ को मैंने करना। बाकी भी दो भाई हैं मेरे और भी, उन्होंने कहा जी प्रायोरिटी मेरी वो है। फिर मेरी माँ की दुआएं, बड़ा बेटा था और फिर मुझे बीवी वो मिल गई। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ क्योंकि अच्छी बीवी का मिलना, अच्छी औरत का आपके साथ गुजर करना, कि जिसने हमेशा मुझे फैसिलिटेट किया, जिसने हमेशा मुझे वो मोमेंटम दिया जिससे मैं आगे बढ़ूं। कई दफ़ा ख़वातीन नेगेटिव हो जाती हैं, कई दफ़ा जो आपकी वाइफ होती है वो उसकी मेंटल कंपेटिबिलिटी आपके साथ नहीं होती, वो चाहे आपके बच्चे हो जाएं जो मर्जी हो जाएं, आप घर में इस तरह रह रहे होते हैं कि जिस तरह एक बस कंपेनियनशिप चल रही है कोई आपका उसके साथ, अब आपकी उम्र ऐसी है कि जी आप उसको छोड़ नहीं सकते बच्चों के लिए। मेरी ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जहाँ मैंने जो मैंने मांगा मेरी बीवी ने उसी तरह किया और अल्टीमेटली मुझे मेरा मुझे उसने हर बात में पॉजिटिवली मुझे उसने कहा कि आतिफ मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुमने करना करो, आई एम एट द बैक ऑफ यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है कि जब वो डॉक्टर्स भी बन जाते हैं तो उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो कि जी CSS कर लें और कहीं पुलिस ऑफिसर लग जाएं और कुछ कस्टम में लग जाएं। बहुत सारे मैं डॉक्टर्स को देखा, आप लाइक है जैसे आपने कहा मेहनत भी की, तो आपका दिल नहीं कभी किया कि यार मैं डॉक्टर के अलावा कोई बन जाता, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता? मेरे क्लास फेलो, मेरा जो सबसे पक्का दोस्त है, जो मेरा बचपन का दोस्त है, उसका नाम है डॉक्टर आरिफ मुश्ताक चौधरी। आरिफ मेरा सबसे पक्का यार है। अच्छा आरिफ आपने नाम सुना होगा, एडिशनल IG पंजाब, अभी मेंबर पब्लिसिटी कमीशन। आरिफ और मैं क्लास वन से इकट्ठे हैं और रात दिन इकट्ठे रहते थे। कई हमने सेंट एंथनी से कट्ठे मैट्रिक किया, FC कॉलेज से FSC की, KE से कट्ठे MBBS किया। और आरिफ जो है, आरिफ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया कम्युनिटी मेडिसिन में ग्रेड 18 में इन KE। तो आरिफ को एक दिन ख्याल आया, कहता आतिफ चल यार CSS का इम्तिहान दे देते हैं। उस जमाने में CSS डॉक्टर बहुत करते थे। मैंने कहा यार मैंने नहीं देना, क्योंकि मेरे अब्बा जी जो थे उन्होंने कहा कि तुमने मेरी सीट संभाल ली। मुझे अब्बा जी ने कहा कि मेरे बाद मैं जब प्रोफेसर रिटायर होऊंगा, आई वांट, मेरी एक एम्बिशन है, मेरे अब्बा जी की एक एम्बिशन थी कि जी उनकी वो ये थी कि उनकी बाद रिटायरमेंट के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जो प्रोफेसर की सीट है वो मैं, मेरा बेटा वहाँ एक दफ़ा आए और वहाँ से रिटायर हो, मेरी सीट से जो बनाई हो। तो मेरे अब्बा ने मुझे साफ कह दिया कि तुमने CSS नहीं करना, आरिफ तुम्हारा पक्का यार है, आरिफ को करने दो। तो आरिफ ने CSS किया माशाल्लाह। आरिफ फिर वो पुलिस सर्विस में आ गया और वेरी गुड ऑफिसर, वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, वेरी डेडिकेटेड। आपको तो पता होगा, आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, सब आप अफसरों के मिलते करते हैं।
फिर आरएफ रिटायर होके वहां से मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। सो हमने उस वक्त हमारे साथ जो लड़के थे, अब मेरा सबसे पक्का यार उसने सीएसएस कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे वालिद का एक ही एम्बिशन था कि बेटा एक दिन मैं देख चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो मैंने कुर्सी बनाई है उस पर मेरा बेटा एक दिन जरूर बैठे आके। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी सुबह का आगाज और शाम की या रात की एंडिंग कैसे करते हैं? सुबह मैं उठता हूँ, आजकल मैंने आपको बताया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें आजकल डीन हूँ, हेड हूँ स्किन का, तो मैं सुबह 8:30-8 बजे दफ्तर चला जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर को, वहाँ मरीज देखता हूँ स्किन के, उसके बाद मैं 2:30-2:30 बजे घर आता हूँ, घर आके खाना वाना खाता हूँ। जिमखाना क्लब मुझे एक ही शौक है, क्योंकि मैं इलेक्शन में बड़े लड़ रहा हूँ और मैं वो सरकारी पैनल के साथ लड़ता रहूँ, कामरान लशारी साहब का आपने नाम सुना होगा, वो उनके साथ मैं उनके ग्रुप में हूँ, तो उनके साथ इलेक्शन लड़ा, फिर मैं जिमखाना क्लब चला जाता हूँ, मैं फिर वहाँ 2-3 घंटे सारा हमारा ग्रुप बैठा होता है उनके साथ बैठ लिया, फिर आके 1 घंटा रेस्ट किया, फिर क्लिनिक 6 बजे से लेके तो रात 10:30-10:11 बजे तक क्लिनिक करता हूँ। ठीक हो गया जी नाज़रीन, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हम मज़ीद इनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे नाज़रीन, इनके घर के जो दूसरे खूबसूरत हिस्से हैं वहाँ पर भी जाएंगे और इनसे बात करेंगे जो घर की ब्यूटिफिकेशन है, एस्थेटिक सेंस है, अगरचे कि इन्होंने बताया कि उनकी अहलिया जो है उसमें उनका रोल है, लेकिन ये हुआ कैसे और कैसे ये सारी चीज़ें खूबसूरत हुई इस पर बात करेंगे हमारे साथ।